फ्रेंड्स, माई सेल्फ रसिका पगारिया फ्रॉम अरहम कॉलेज. इन लास्ट लेक्चर वी वर स्टडिंग अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, राइट. अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, देर आर टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वन इज़ द लोकसभा एंड वन इज़ द राज्यसभा, राइट. लोकसभा को अपन क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं. और ये आइडिया लोकसभा का कहाँ से आया, इट केम फ्रॉम द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन, बट इट्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये अपन ने कहाँ से लिया, वी टुक इट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट. और अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, जब अपने को इंडिपेंडेंस मिला ब्रिटिशर्स से, राइट. आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट वी स्टार्टेड फ्रेमिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, ओके. एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. देन वी सॉ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, राइट. अभी हेड कौन रहता है, पूरे स्टेट का हेड कौन है एक्चुअली, हाँ, द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज द प्रेसिडेंट, राइट. देन प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास बेसिक पावर क्या क्या है, मेजर पावर. प्रेसिडेंट अगर पार्लियामेंट से कोई बिल पास होके आता है तो उसको उसके ऊपर प्रेसिडेंट का अप्रूवल रहना ज़रूरी है. बट इफ द प्रेसिडेंट फील्स कि नहीं बाबा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस बिल एंड ऑल, तो प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ओके. देन एक और मेजर काम क्या है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर द एमरजेंसी इन स्टेट, हाँ. और अगर एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो ये लोकसभा का टेंशर क्या रहता है, इट इज़ ऑफ 5 ईयर्स. तो ये 5 ईयर से नॉर्मली 5 ईयर्स का रहता है पीरियड उनका, बट 5 ईयर से ज़्यादा वो एक्सटेंड हो सकता है. इट कैन बी अप टू 6 मंथ्स एंड ऑल, बट ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसी, हाँ. अभी प्रेसिडेंट कैसे बनता है, हाँ, उसको कौन कौन वोट कर सकता है, ये अपन ने देखा था. 5,000 मेंबर्स ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हु फॉर्म कैन आर एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन किया जाता है और वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया जाता है. तो प्रेसिडेंट क्या देखता है, ही इज़ द हेड ऑफ द चेयर ऑफ द अपर हाउस फॉर द राज्यसभा. देन अब प्रेसिडेंट का, अभी प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ना. सो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर. अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, ओके. ऐसे ही अपॉइंट होता है क्या प्राइम मिनिस्टर, नहीं. जो रूल जो पार्टी जीत के आती है उनमें से नॉमिनेट किया जाता है और जो और में से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है. प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनाता है उसमें से किसी को. तो फिर प्रेसिडेंट क्या, फिर प्राइम मिनिस्टर क्या बनाता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, ही रिकमेंड सम ऑफ द मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट उन लोगों को मिनिस्टर बनाता है एंड दे फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल हियर. देन वी वर लुकिंग एट द लेजिस्लेटिव ब्रांच, ओके. इन दैट वी सॉ लोकसभा में देखा, लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर्स रहने चाहिए, 552 मेंबर्स रहने चाहिए, राइट. कंसिस्टिंग अप टू 530 मेंबर्स. अभी 530 मेंबर्स किसके रहते हैं, जो हर एक स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं. 20 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग पीपल फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. अभी लेटेस्ट में करंटली देर आर 545 मेंबर्स, हाँ, इन द लोकसभा, आउट ऑफ विच 530 आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, 13 आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. सी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, सी अभी यहाँ पे क्या बोला है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैंडिडेट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इनको भी लिया जाता है, राइट. ताकि क्या है, कोई भी डिसीजन लेते वक्त भेदभाव किसी में भी ना हो. सो और ये शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट से लेने का ये सिस्टम कहाँ से आया, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए पार्लियामेंट में, ये अपने को कहाँ से मिला ये आइडिया, वी गॉट इट फ्रॉम द ब्रिटिश मॉडल फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स. तो लोकसभा में
क्या एक्सटेंड भी एवरी 5 ईयर्स द लोकसभा ऑटोमेटिकली गेट्स डिजॉल्व, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी इट कैन बी अप एक्सटेंडेड अप टू द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, द लेटेस्ट इलेक्शन टू द लोकसभा वॉज इन अप्रैल मे 2019 एंड द नेक्स्ट इलेक्शन विल कमेंस इन अप्रैल 2024. सी अभी लेटेस्ट इलेक्शन कब हुए थे, 2019 में, राइट, अप्रैल मे में. 2014 में हुए थे इलेक्शन, तभी भी नरेंद्र मोदी जीत के आए थे, और अभी 2019 के जो इलेक्शन आए हुआ है उसमें भी मोदी ही जीत के आए हैं. अब मोदी के बाद इतना स्ट्रांग आदमी कौन है, आई थिंक अमित शाह उतना स्ट्रांग आदमी है. जो मोदी जितना स्ट्रांग आदमी है ना, उतना ही स्ट्रांग अमित शाह लगता है मेरे को. एनीवे, दोनों गुज्जू है. देन एंड द नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे, अप्रैल 2024 में. द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ रिविजन बेस्ड ऑन द सेंसस. सी द कंपोजिशन ऑफ द लोकसभा क्या है, इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट. ये मैंने आपको पहले भी बोला था, लोकसभा में कौन से स्टेट के कितने मेंबर्स रहेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट. आपके स्टेट का पॉपुलेशन कितना है, आपका स्टेट कितना बड़ा है, उस पर ये डिपेंड रहता है. एंड यूनियन टेरिटरी विथ रिविजन बेस्ड ऑन द सेंसस. यूनियन टेरिटरी का भी वैसा ही है. द अपर हाउस इन द इंडियन पोलिटिकल सिस्टम इज द राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हैज़ अप टू द 250 मेंबर्स. लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 552 मेंबर्स हैं. राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 250 मेंबर्स हैं. ओके, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है. सी लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं उसके आधे ही मेंबर राज्यसभा में है. 12 ऑफ दिस मेंबर्स आर चूसन बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर एक्सपर्टाइज इन फील्ड स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस. अभी 250 मेंबर्स में से 12 मेंबर्स क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है. ये कौन रहता है, दिस आर द पीपल इन द स्पेशल फील्ड, राइट, जो स्पेशल फील्ड के लाइक कोई आर्ट में, कोई डांस में रहता है, कोई साइंस, कोई सोशल सर्विस, लिटरेचर, इन सब को नॉमिनेट करता है. अच्छा आप बोलो, रेखा कभी इलेक्शन में खड़ी थी, नहीं, बट स्टिल शी इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. सचिन तेंदुलकर कभी खड़ा था इलेक्शन में, नहीं, बट स्टिल ही इज़ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये कैसे हुए वो लोग मेंबर्स, प्रेसिडेंट ने इनको इलेक्ट किया. क्यों प्रेसिडेंट ऐसे स्पेशल स्पेसिफिक फील्ड के इलेक्ट करता है ऐसे मेंबर, क्योंकि जब भी ये फील्ड के रिलेटेड, ये स्पेसिफिक जो फील्ड है उसके रिलेटेड जब भी कोई डिसीजन लेना रहता है, तब ये जो एक्सपीरियंस्ड फेमस पर्सनैलिटी स्पेसिफिक जिनको पूरा उस चीज़ का नॉलेज है, उनकी अगर राय ले तो ज़्यादा बेटर होता है ना. वी कैन कम टू अ समथिंग गुड डिसीजन, वी कैन गेट सम गुड डिसीजन, राइट. इसीलिए क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स ऐसे स्पेसिफिक फील्ड के इलेक्ट करता है एंड दे बिकेम द मेंबर ऑफ राज्यसभा. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, द रिमाइंडर ऑफ द हाउस करंटली कंप्राइज ऑफ 238 मेंबर्स इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द स्टेट एंड टेरिटोरियल लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द यूनिट्स पॉपुलेशन. सी फिलहाल करंटली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 238, और लोकसभा में करंटली कितने मेंबर्स हैं, 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, और करंटली राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, 238 मेंबर्स हैं, और इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द स्टेट. और ये क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द स्टेट. राज्यसभा के मेंबर्स दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा के मेंबर्स दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड. राज्यसभा के मेंबर्स क्या है, इनडायरेक्टली स्टेट इलेक्ट करती है और टेरिटोरियल लेजिस्लेचर के हिसाब से चलता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. द मेथड ऑफ इलेक्शन इन द लोकल लेजिस्लेचर इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सी द मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है इन द लोकल लेजिस्लेचर इज द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट.
मतलब एक इंसान एक ही वोट करेगा। टर्म्स फॉर ऑफिस आर फॉर 6 ईयर्स। अभी लोकसभा में कितना पीरियड था उनका? 5 ईयर्स का था, पर यहाँ पे कितना है राज्यसभा का? टर्म्स ऑफ द ऑफिस आर फॉर 6 ईयर्स विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स फेसिंग री इलेक्शन एवरी 2 ईयर्स। राइट, 1/3 ऑफ द मेंबर्स क्या होते हैं? वो रिटायर होते हैं या फिर वापस उनको इलेक्शन में खड़ा होकर जीतना पड़ता है। द राज्यसभा अनलाइक द लोकसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। सी, लोकसभा क्या है? डिसॉल्व हो जाती है कब? जब रूलिंग पार्टी, सी अभी बीजेपी है तो लोकसभा में क्या है, बीजेपी के लोग मेंबर्स ज़्यादा है तो बीजेपी उधर मेजर रूलिंग पार्टी है। बट जैसे ही अभी सपोज़ अगले इलेक्शन में बीजेपी हार गई और सारे कांग्रेस के आ जाते हैं, तो जो भी बीजेपी के नेता है जो भी हार गए हैं वो सब अपने आप से निकल जाते हैं और जो नए जो जीत के आए हैं दे बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। बट राज्यसभा में ऐसा होता है क्या? राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। द टू हाउस शेयर लेजिस्लेटिव पावर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू और सप्लाइंट मनी वेयर लोकसभा हैज़ मोर पावर। सी, अभी ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, ये क्या ज़्यादा किसके पास है? राज्यसभा के है। बट मनी मैटर जो भी रहता है वो लोकसभा के पास ही रहता है। राइट, जैसे पैसों के रिलेटेड जो भी पावर है वो सब लोकसभा के पास ही है। अगर मनी बिल, अगर कोई भी मनी बिल पास करना है, कोई भी फाइनेंस का बिल पास करना है, तो वो लोकसभा के पास ही जाएगा। अगर लोकसभा का अप्रूवल मिल गया तो राज्यसभा को भी अपने आप अप्रूवल देना ही पड़ता है। तो फाइनेंशियल मैटर्स में लोकसभा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों लोकसभा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है? क्योंकि सी लोकसभा में क्या है, मेंबर्स ज़्यादा है। मेंबर्स ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है, डिसीजन अच्छे से लिया जाता है। आई नो बहुत ज़्यादा किचकिच होती है, चाव चाव होती है, बट क्या है, यू कैन टेक द प्रॉपर डिसीजन, सही डिसीजन लिया जाता है। बहुत से लोगों के व्यू पॉइंट्स वगैरह सब ध्यान में आते हैं। इसीलिए इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग लेजिस्लेचर ऑन इफ देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट विच कैन नॉट बी रिसॉल्व इवन बाय द टू हाउसेस, इट इज सॉल्व इन द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वेयर द विल ऑफ द लोकसभा ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रिवेल्स since the Lok Sabha is more than twice bigger than the Rajya Sabha। अभी कोई मैटर रहेगा, हाँ उसके ऊपर क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिस्कशन चल रहा है और दोनों में भी क्या हो रहा है, दोनों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स आ रहे हैं और एक फाइनल डिसीजन हो ही नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं, दे कॉल बोथ हाउस टुगेदर। लोकसभा और राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं सब मेंबर्स साथ में आते हैं और फिर डिस्कशन होता है और फिर वो बिल फाइनल होता है। यूजुअली जो लोकसभा में जो लोग बोल रहे हैं वही फाइनल होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स कितने हैं फिलहाल, यूजुअली कितने मेंबर्स रहते हैं? 552 रहते हैं और राज्यसभा में 250 रहते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल है लोकसभा के मेंबर्स। तो एनीवे क्या है, लोकसभा ही हमेशा जीतती है इन बातों में, राज्यसभा कभी नहीं जीतती। क्यों? क्योंकि मेंबर्स कम है। इवन इफ यू गो बाय द वोटिंग मेथड ऑल्सो ना, तो जो लोकसभा में बोला गया है ना वही सही होता है। एंड बट ऑब्वियसली ना कॉमन सेंस की बात है यार ये। तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इलेक्शन। इलेक्शन बोला तो क्या ध्यान में आता है, पैसे बांटना, गोंधल, चाव चाव, अनाउंसमेंट, लोग घर पे आके बोलते हैं कि हमको वोट देना, ये करो, कैंपेन, कितनी इलेक्शन के कितना चाव प्याव चाव चाव सुनाई देता है ना। राइट, चलो तो अभी अपन इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ड्यू टू द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिया इलेक्शंस आर डिफ़िकल्ट अफेयर। सी, इंडिया में क्या है, एक तो अपना कंट्री बहुत बड़ा है और क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, सब कुछ अलग अलग है, अलग कल्चर है, सब अलग अलग लैंग्वेज है एंड सो क्या है, इलेक्शन क्या है, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है अपने इंडिया में। बराबर है,
Is it true? Yes. In the last election held in May 2019, some 900 million citizens were eligible to vote. Almost 614 million did so, and the last election of the Lok Sabha took place over a period of almost 6 weeks. See, अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए थे मई 2019 में, उसमें क्या हुआ था, 900 मिलियन सिटीजन, कितने 900 मिलियन सिटीजन दे वर एलिजिबल टू वोट, मतलब अबाउ 18, उनका एज कितना था, 18 प्लस के लोग थे वो लोग, सो दे वर एलिजिबल टू वोट. और कितने लोगों ने वोट किया, ऑलमोस्ट 614 मिलियन डिड, उतना लोगों ने वोट किया. और जो लास्ट इलेक्शन था लोकसभा का, इट टुक ऑफ ओवर द 6 वीक. 6 वीक तक लोकसभा का ये इलेक्शन चला. उस 6 वीक्स में क्या होता है, कैंपेन वगैरह होते हैं, रैलीज होती है एंड ऑल, प्रचार वगैरह अपन मानते ना, ये सब होते हैं. और आप ऐसे ही कभी भी इलेक्शन आ गए, इलेक्शन आए बोल के प्रचार किया, नहीं, प्रचार की अगर आप रैली निकाल रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से एंड ऑल, राइट. ऐसी रैली नहीं निकाल सकते, प्रचार करने के लिए आपको सभा बुलानी है तो आपको परमिशन लगती है. तो उधर क्या है, पुलिस बंदोबस्त वगैरह होता है, सिक्योरिटी का वगैरह ध्यान दिया जाता है, आप ऐसे ये सब कुछ नहीं कर सकते. और इलेक्शन में इतने महीने से, लाइक 1 वीक पहला या 5 दिन पहले आप कुछ भी प्रचार नहीं कर सकते, उसके पहले आपका ये प्रचार, सभा लेना, रैली निकालना, ये सब कुछ बंद होना चाहिए. तो उसका भी एक टाइम पीरियड है, आई डोंट नो इसमें दिया है या नहीं, सो लेट्स लुक इट ओवर. पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट, द इलेक्शन वॉज कंडक्टेड इन 7 फेजेस एंड नियरली 14 मिलियन स्टाफ वॉज डिप्लॉयड. सी, इलेक्शन का कैसे कंडक्ट किया था, इट वॉज कंडक्टेड इन 7 फेजेस. 7 फेजेस में इलेक्शन किया था और 4 मिलियन स्टाफ वेर डिप्लॉयड. इलेक्ट्रल स्टाफ एंड सोल्जर्स वेर मूव टू डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री एज अ डिफरेंट वोटिंग फेजेस टुक प्लेस. सी, अभी इलेक्ट्रल स्टाफ रहता है, अभी इलेक्शन लेना बोले तो ऐसे ही चलो सब कुछ काम चालू होता है क्या, ये जो इलेक्शन कमीशन होता है दे शुड हैव द प्रॉपर प्लान विद देम, कौन से फेज में कब कहाँ लेना है, क्या लेना है, मशीन सब कैसे सेटअप करनी है, कैसे करनी है, उन मशीन्स का सब सिक्योरिटी का काम वगैरह, ये सब कुछ इलेक्शन कमीशन देखता है. तो उतना उनके पास स्टाफ रहता है और सोल्जर्स भी रहते हैं हु टेक केयर ऑफ दिस मशीन्स, ताकि मशीन्स के साथ कोई छेड़छाड़ करके वोटिंग में कोई गड़बड़ ना हो. तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे इलेक्शन रहते हैं वहाँ वहाँ पे ये इलेक्ट्रल स्टाफ रहता है, सोल्जर्स रहते हैं जो वन प्लेस, दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ऑल एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय अ नेशनल इलेक्शन कमीशन. सी, ये जो भी एक्टिविटी रहती है, ऑल दिस एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल इलेक्शन कमीशन. This is in sharp contrast with the American political system where elections are organized by the state. See, ये जो National Election Commission है, ये जो काम करता है, ये सारा क्या चलता है, अपना contrast में चल रहा है. किसके contrast में चलता है, with the American political science system, American political system के contrast में सब कुछ चल रहा है. It has been seen that only around 55 of those eligible to vote do so in Indian national election. See, जब वोटिंग की बात होती है खाली 55% क्या है eligible to vote रहते हैं और वो वोटिंग करते हैं. However, turnout for the 2014 election broke record with 66.38% of those eligible casting a vote and turnout in 2019 again broke the record at 67.11%. See, पहले क्या था,
अभी वोटिंग के लिए जितने भी मेंबर्स रहते थे, एलिजिबल रहते थे, उसके अंदर के खाली 55% लोग वोट करते थे, रेस्ट ऑल पर्सन दे वोंट वोट। क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करती है, जिस दिन इलेक्शन रहता है, जिस दिन वोटिंग रहता है, वोटिंग का दिन रहता है, उस दिन गवर्नमेंट क्या करती है, सब ऑफिस को छुट्टी देती है। क्यों छुट्टी देती है? ताकि आप लोग जाके वोट करो। बट कुछ लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल रहते हैं ना, बोलते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा, और वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं, देखो फॉर अ पिकनिक एंड ऑल। बट एक्चुअली डूइंग सो इज़ रॉन्ग। बट एक्चुअली ऐसे नहीं करना चाहिए ना, ऐसे एक्चुअली नहीं होना चाहिए। अगर आपके एक एक वोट का इम्पोर्टेंस है, डू यू नो इलेक्शन में लोग तीन तीन वोट से हारते हैं, राइट? मतलब इमेजिन उनके लिए एक एक वोट की क्या कीमत होगी। आज अपने को लगता है अरे मैं एक अकेला इंसान नहीं वोट करूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा, बट नहीं, हर कोई ऐसे सोचेगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, आपने कहावत तो सुनी होगी, बूंद बूंद से नदी भरती है, बारिश कैसे आती है, वाटरफॉल के जैसे धाप को बोल के आती है क्या? नहीं, बूंद बूंद से ही बारिश आती है ना, बट फिर भी नदी भरती है, बराबर है, फिर भी बाढ़ आती है, उस बूंद बूंद से ही बाढ़ आती है, आती है ना, बहुत ज़्यादा बूंद बूंद हुई तो इलेक्शन भी वैसा ही है। जब अपने को एक एक बूंद की कीमत है, तो आपको एक एक वोट की भी तो कीमत रहनी चाहिए। हाँ, सी आप भी अबाउ एटीन हो चुके हो, अगर आपने इलेक्शन कार्ड नहीं लिया होगा तो मेक श्योर यू गेट योर वोटर आईडी कार्ड, ओके, गेट दैट वोटर आईडी कार्ड, वोट फॉर द इलेक्शन। जब भी इलेक्शन रहेंगे तो प्लीज़ गो एंड वोट, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। क्योंकि अगर आप जाके वोट करोगे तो क्या है, सही लोग चुन के आएंगे। आप वोट नहीं करोगे तो क्या है, गलत लोग आगे आएंगे, गलत लोगों के हाथ में आप पावर दे रहे हो। अगर आप चाहते हो कि आपका देश सुधरे, आपका सब कुछ अच्छे से हो, तो वोट करो, सबके बारे में, सब जो भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, जो जेन्युइन है, जो सही आदमी है, जो सही काम करता है, आप उसको वोट दो। एनीवे, तो इलेक्शन में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी 2014 के इलेक्शन में क्या हो गया, ऑलमोस्ट 66.38% लोगों ने वोट किया है। और रिकॉर्ड ब्रेक सेशन तो कब हो गया, व्हेन द रिकॉर्ड ब्रेक सेशन टू प्लेस, इट वाज इन द 2019 में कितने लोगों ने वोट किया, 67.11% लोगों ने वोट किया। देर इज ग्रोइंग कंसर्न इन इंडिया अबाउट वॉट हैज़ बीन कॉल्ड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सी अभी इंडिया में क्या है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत बुरी तरह से बढ़ रही है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी क्या, पॉलिटिक्स में क्राइम बहुत कर रहे हैं लोग। क्राइम इन द वॉट सेंस, अभी इलेक्शन है, कल वोट करना है, तो आज लोगों को धुआंधार पैसे देंगे। तेरे घर में कितने लोग हैं, चार लोग हैं ना, ये ले एक वोट का मैं 4,000 कीमत देता हूँ, बट कल वोट तू मुझे ही करना। क्या बोलते हैं, अरे मैंने वोट देने के लिए पैसे दिए, पैसे लिए मैंने इनसे, इन्होंने मुझे ज़्यादा पैसे दिए, मैं क्या करूँगा, मैं तो इन्हीं को वोट दूँगा। दूसरा आता है, फिर रातों रात में एक और आदमी आएगा, अरे उसने तेरे को 1,000 रुपये दे रहा है ना पर वोट का, आई विल पे यू 1,500, आई विल पे यू 2,000, बट यू वोट मी टुमारो। ये सारा जो है, फिर मशीन के साथ गफला वगैरह करना, ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, अब ये सब बहुत हो रहा है इलेक्शन में, अपने अपने पॉलिटिक्स में ये सब बहुत हो रहा है। हाउएवर देर इज़ नो डाउट दैट क्रिमिनलिटी एंड करप्शन आर हाई इन इंडियन पॉलिटिक्स, बराबर है ना, अपने इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, क्राइम करप्शन बहुत ज़्यादा है। आज अपना इंडियन पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा करप्टेड फील्ड है। लॉकडाउन वगैरह हुआ, इतना कोविड हुआ है, हर किसी को बहुत सी तकलीफ हुई, बट ये पॉलिटिशियन, इन लोगों को कोई तकलीफ नहीं, इन्होंने अपना जेब इसमें भी बहुत अच्छे से भरा है। कैसे क्या, इट्स बेटर आई वोंट स्पीक ऑन दैट राइट नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल पार्टी।
विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. नाउ राइट नाउ विल वाइंड अप अवर लेक्चर. रीड दिस टॉपिक वेल. मीनवाइल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी ऑन माई मेल आई डी इज rasika.pagaria@ aram.edu.in. Thank you.